दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। दोस्तों, जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद आपका चैनल मोनेटाइज ना हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी वीडियो का जो वॉच टाइम है काउंट नहीं होता है। दोस्तों, इसी वीडियो में इस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक डाउट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट होता है और कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, इस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक डाउट को क्लियर कर लेते हैं। इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिर दोस्तों आप वीडियो देखने में मस्त हो जाओगे और लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है और कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट होता है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। दोस्तों, सबसे पहले प्राइवेट वीडियो, मतलब कि दोस्तों आपने कोई भी YouTube पर वीडियो बनाई या YouTube पर वीडियो बनाने के बाद शायद आपने उसे पब्लिश कर दी, फिर दोस्तों आपने यदि उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है या आपने कोई वीडियो बनाई है वह प्राइवेट है, आप उसे पब्लिश नहीं कर रहे हो, या फिर आपने वीडियो बनाई थी आपने उसे पब्लिश कर दी, पब्लिश करने के बाद आपने उसे प्राइवेट कर दिया है, तो दोस्तों आपका इस कंडीशन में वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। मतलब कि पहला पॉइंट यह है कि प्राइवेट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए, प्राइवेट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट अनलिस्टेड, मतलब कि दोस्तों आपने कोई भी वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद आपने उसे पब्लिश कर दी, फिर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया और आपने उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया। दोस्तों, अनलिस्टेड वीडियो का भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के लिए। दोस्तों, आप दो पॉइंट समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट एड कैंपियन, दोस्तों जब क्या करते हैं हम गूगल एडवर्ट के थ्रू वीडियो को प्रमोट करते हैं, जब दोस्तों गूगल एडवर्ट के थ्रू वीडियो को हम प्रमोट करते हैं उससे हमें जो भी वॉच टाइम मिलेगा वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। मतलब 4000 घंटे के हावर्स में वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा जिस भी वीडियो को आपने यूट्यूब वीडियो को जो है प्रमोट किया हुआ है गूगल एडवर्ट के थ्रू। दोस्तों, तीन पॉइंट आप समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट शॉर्ट वीडियो, दोस्तों शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए, और किस प्रकार से शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा मोनेटाइजेशन के लिए वो भी हम आपको बता देते हैं। मतलब दो दोस्तों शॉर्ट वीडियो होती है वो स्वाइप अप करके जो देखी जाती है, स्वाइप अप करके इस तरीके से जो आप शॉर्ट वीडियो देखते हो उनका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपकी शॉर्ट वीडियो को सर्च करेगा और आपके चैनल पेज से देखेगा तो जो है शॉर्ट वीडियो का वह वॉच टाइम काउंट होगा, 4000 घंटे में ऐड होगा और मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। लेकिन दोस्तों, जो स्वाइप अप करके वीडियो देखी जाती है उसका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये चार पॉइंट। पांचवा पॉइंट, लाइव स्ट्रीम का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं यूट्यूब चैनल पर अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करने के बाद उस लाइव को डिलीट कर देते हैं। यदि दोस्तों आप उस लाइव को डिलीट कर दोगे तो वह वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, जो भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग से वॉच टाइम मिला होगा वो काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि दोस्तों आपने उस लाइव स्ट्रीम को डिलीट कर दिया है। यदि आप उस लाइव स्ट्रीम को प्राइवेट कर दोगे, अनलिस्टेड कर दोगे, तो भी उस लाइव स्ट्रीम का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप लाइव स्ट्रीम करने के बाद आप उसे पब्लिक कर देते हो, पब्लिश कर देते हो, तो आपका जो है वॉच टाइम काउंट होगा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं कि कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा और कौन सी वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। प्राइवेट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, अनलिस्टेड वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, एड कैंपेन के थ्रू आपने जो वीडियो प्रमोट करी होगी उनका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा जो स्वाइप अप करके देखी जाती है, जो आपके चैनल पेज से देखी जाएंगी और सर्च से देखी जाएंगी उनका वॉच टाइम काउंट होगा। और दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग का वॉच टाइम तभी काउंट होगा जब आप उस लाइव स्ट्रीमिंग को पब्लिश कर दोगे। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम चैनल मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा और कौन कौन सी वीडियो का वॉच टाइम चैनल मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। दोस्तों, आपके जो भी डाउट होंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी एक आधे डाउट बचे हुए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए।